दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्नैपचैट में आई नीड हेल्प वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। मतलब यह है कि स्नैपचैट में हेल्प वाला जो ऑप्शन है वो वर्क नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, स्नैपचैट को ओपन करते हैं, उसके बाद हम प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम सेटिंग पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप सपोर्ट में देखेंगे आई नीड हेल्प। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर जो हेल्प वाला ऑप्शन है वो वर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। उस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगा, 110% आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। चलिए एक बार फिर से आई नीड हेल्प पर क्लिक करते हैं, उसके बाद फिर से आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर से वही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वेब पेज नॉट अवेलेबल। चलिए मैं आज की वीडियो में आपको बताता हूँ। तो आपको यहाँ से बैक आना है। अब बैक आने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करेंगे, उसके बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है स्नैपचैट। स्नैपचैट टाइप करेंगे, सर्च कर देंगे। सर्च करेंगे तो सबसे पहले तो आपको अपने स्नैपचैट को देखना है कि अगर आपके स्नैपचैट में कोई अपडेट आया है तो अपडेट कर लेना है। देख सकते हैं कि मेरे स्नैपचैट में ऑलरेडी अपडेट आया है, तो हम अपडेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको जो है अपडेट कर लेंगे। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। फाइनली हमारा स्नैपचैट हो चुका है अपडेट। अब आपको क्या करना है, आपको बैक आना है और बैक आने के बाद अब आपको अपने स्नैपचैट को ओपन करना है। स्नैपचैट को ओपन करेंगे, उसके बाद हम प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम सेटिंग पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आने के बाद हम सपोर्ट में आई नीड हेल्प पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं उसके बाद देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है नहीं, तो देख सकते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो चुकी है। तो अगर आपको आपके स्नैपचैट को अपडेट करने के बाद भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होती है तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। तो वैसे तो दोस्तों आपकी जो है पहले तरीके में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर नहीं होती है तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है कि आपको स्नैपचैट पर हल्का सा लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ पॉपअप देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको ऐप इन्फो पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर स्टोरेज पर क्लिक कर देना है। स्टोरेज पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको क्लियर डाटा क्लियर कैच का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली हम जो है क्लियर कैच पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम बैक आएंगे और उसके बाद आपको एक बार फोर स्टॉप पर क्लिक कर देना है, ओके कर देंगे। उसके बाद बैक आएंगे और बैक आने के बाद स्नैपचैट को ओपन करेंगे, उसके बाद हम प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम जो है सेटिंग पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और सपोर्ट में यहाँ पर जो है आई नीड हेल्प पर क्लिक कर देंगे। और दोस्तों 110% आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। इससे तो दोस्तों आपकी जो प्रॉब्लम है वो स्नैपचैट को अपडेट करने के बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो आपको जो है सेकंड ट्रिक को फॉलो कर लेना है। तो इस तरीके से आप स्नैपचैट में आई नीड हेल्प वाली प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।